हिंसा मामले में गुरुवार देर रात पूर्व डीएम और एसपी को निलंबित कर दिया गया। दो दिन पहले ही राज्य शासन ने डीएम कुमारलाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया था और शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में समय रहते उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर निलंबन किए जाने की बात भी कही गई। वहीं एसआईटी ने भी हिंसा की जांच शुरू कर दी है। 21 सदस्यीय टीम ने अलग अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की। इसमें 8 एफआईआर की जांच के लिए 3-3 लोगों की टीम बनाई गई है। नेताओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।